सारे बाजार के सामने इस बेसहारा ने तू बेटे मार करके इन अपना वीर मान लिया सी। पहले तू भी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। यूसुफ खान ने सुल्तान राय की फिल्म हसीना 420 क्यों छोड़ी? इसके पिछे एक बहुत सारी चीज़ा। हसीना 420 अपने दौर सुपर दुपर इट फिल्म सी। इसके म्यूजिक, इसकी कहानी और नीली की एक्टिंग जी बहुत ही शानदार सी। और इस फिल्म की कामयाबी बहुत सारिया चीज़ा सुन जिन्हें मसूद भट्ट अदायतकार, मसूद भट्ट कैमरामैन, अदाकार सुल्तान राय। अदायतकार मसूद भट्ट की फिल्म अल्लाह रखा और एवर न्यू पिक्चर की फिल्म चोरों की बारात, ए दोनों इकट्ठे एक दिन रिलीज होए और इन्हों का शानदार मुकाबला आया और दोनों फिल्मों ने शानदार बिजनेस किया। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो अल्लाह रखा बहुत ही अगे सी और पंजाब सर्किट के अंदर इस फिल्म ने बहुत ही शानदार बिजनेस किया है। एवरन्यू पिक्चर के मालिक आगा जी गुल साहब के पुत्र सजाद गुल और शहजाद गुल ने यह फैसला किया है कि असी अगली फिल्म जड़ा ना अदायतकार मसूद भट्ट कोलू बनवावे। उन्होंने मसूद भट्ट कोलू फिल्म बनवाने का फैसला किया और मसूद भट्ट ने राबता किया। हर सारे मामला तय पा गए। उन्होंने हसीना 420 के करैक्टर वास्ते अदाकारा नीली नू बुक किया और उसके मुकाबले अदाकार गुलाम मजीदी नू हीरो साइन किया। इस कहानी के अंदर, इस फिल्म के अंदर एक करैक्टर सी सूबे खान का। सूबे खान का करैक्टर वास्ते उन्होंने अदाकार यूसुफ खान नू बुक किया और यूसुफ खान नू सारे मामला तय करने वास्ते बुलाया। जब यूसुफ खान ने सुनया कि इस फिल्म का टाइटल रोल एक नवी लड़की कर रही है, उन्होंने बहुत गुस्सा आया। अदायतकार मसूद भट्ट ने 3 लाख रुपया यूसुफ खान के वाले करदे क्या और उन्होंने ये क्या कि यह फिल्म के पैसे तुसी रखो, 3 लाख के विच असी तुहानू बुक किया। लेकिन यूसुफ खान ने इनकार कर दिता क्योंकि वह नीली के अंडर काम नहीं करना चाहते सन कि टाइटल रोल से नीली करे और उसके अंडर यूसुफ खान काम करे, ये उन्होंने गुवारा नहीं सी। उन्होंने 1.5 लाख रुपया मसूद भट्ट वापस कर दें क्या कि इस फिल्म का नाम अगर सूबे खान रखा जाए और टाइटल रोल मैं दिता जाए तो मैं इस फिल्म में काम कराँगा। लेकिन मसूद भट्ट ने इनकार कर दिता। उन्होंने कहा खान साहब, इस फिल्म का नाम हसीना 420 ही रहेगा तो टाइटल रोल नीली करेगी। खैर यूसुफ खान साहब गुस्से नाल उठ के चले गए और मसूद भट्ट ने अदाकार सुल्तान राय के नाल राबता किया। सुल्तान राय साहब उस वक्त अमेरिका सन और अपने बच्चों के नाल छुट्टियां गुजार रहे सन। खैर मसूद भट्ट ने राबता किया लेकिन सुल्तान राय साहब ने शर्त रखी कि मेरी फिल्म का एडवांस अगर मैं इतने दे दिता जाए तो मैं 9 तारीख को पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा। खैर उन्होंने उन्होंने एडवांस उत्थे ही अदा कर दिता और फिल्म की तारीख रखी गई। सुल्तान राय आए, उन्होंने फिल्म की और यह फिल्म सुपर हिट रही। और खास तौर पर इस फिल्म का जोड़ा एक सीन सी जो कि इस चीज़ में शो करता है कि सुल्तान राय वाकई एक बहुत बड़ा फनकार है। उस दियाँ आनियाँ, उस दियाँ जानियाँ जोड़े शकीन फिल्म वाले सन वो बहुत ही पसंद करते सन। उस एक सीन होंगे कि अदाकार नीली तो अरफत सिद्दीकी गुंडे महमूद असलम, जमील बाबर घेर लेंदे और उन्होंने घेर के वो अरफत सिद्दीकी की इज्जत लुटना चाहते हैं। लेकिन नीली यह झूठ बोलती है कि इस सूबे खान की भैन है। सूबे खान जो होंगे हुमायूं कुरैशी के अंडर काम कर रहा होंगे और एक करैक्टर सुल्तान राय का सी। जमील बाबर और महमूद असलम यह गल पता चलती है, वह सारे खुश होते हैं, खैर कह के लगाते हैं क्योंकि उन्होंने पता कि अरफा सिद्दीकी झूठ बोल रही है। उन्होंने दोनों पकड़ के वे डेरे ते लै जाते हैं सूबे खान के ताकि इन्होंने उत्थे इज्जत लुटांगे और दसांगे कि यह झूठ बोल रही है। खैर डेरे ते पहुंचते हैं, डेरे ते पहुंच के
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਜਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਰਫਾ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਸੌ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਸੌ ਲਿਬਾਸ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਨਾ 420 ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।